Dear students, good morning and Jai Hind. My dear kids, in the last class we have seen the population ecology, population density, and today we are going to discuss about population interaction, the next very very important topic of organism and population, the population ecology. Children, from the last class we are discussing the population ecology. हम लोग ecosystem के अभी quick से organism and population start किया. जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इकोलॉजी का देखा बच्चों. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा यूनिट है. इट इज बिग यूनिट इन फैक्ट कंप्राइजिंग 14 मार्क्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम. 14 मार्क्स इससे आएंगे, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इकोलॉजी से बच्चों. तो आप समझ सकते हैं 70 का 14 मार्क्स यानी 20% ऑफ योर सिलेबस विल बी कवरिंग फ्रॉम द इकोलॉजी ओनली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग यूनिट चिल्ड्रेन. एंड वी हैव सीन द introduction part, we have seen in detail about the biotic and abiotic components of ecosystem, we have seen the pond ecosystem, different terrestrial and aquatic ecosystem, and then in the last class basically food chain, food web, and various kind of ecological pyramids we have seen, like pyramid of biomass, pyramid of number, pyramid of energy. All the pyramids are very important for your board exam also, children. And then in the last class we just started the population ecology. We have seen the population size, population density, and the factors affecting it like natality, mortality, immigration, and emigration. We have seen these things, and then we have elaborated the equation also for the population size at the particular time. And okay, so hum logo ne ek particular time ki population size ko determine karne ke liye birth rate, death rate, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन फैक्टर्स के थ्रू हम लोग पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला भी डिराइव किए थे बच्चों इन लास्ट क्लास. एंड टुडे लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन. बच्चों, अगर हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें तो आपको सबसे पहले तो यह समझना होगा कि यह इंटरेक्शन हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. लास्ट क्लास का आखिरी एकदम आखिरी टॉपिक यही था, और लास्टली मैंने बताया भी था कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, किस तरीके से जो है वेरियस पॉपुलेशन इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से. कभी कभी एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट होती है. सच इंटरेक्शन इज सेड टू बी एज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन. एंड समटाइम्स टू डिफरेंट स्पीसीज आर मोर देन टू डिफरेंट स्पीसीज आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर फॉर देयर एनर्जी ट्रांसफर, फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. सच इंटरेक्शन इज सेड टू बी एज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. सो माई डियर किड्स, इंटरेक्शन इज आइदर इंट्रा स्पेसिफिक टाइप और इंटर स्पेसिफिक टाइप, दोनों ही तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है. एक ही अगर स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज सेड टू बी एज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन. एंड इफ इट इज कैरीड आउट बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, देन इट इज सेड टू बी एज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. चिल्ड्रेन, सो यू आर सीइंग हियर दैट पॉपुलेशन इंटरेक्शन आर द इफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव वन अनदर. एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट आर द फंडामेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एज अ होल. एज अ होल अगर बात करें तो इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है, फंडामेंटल है, और इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए भी यह फंडामेंटल है बच्चों. पॉपुलेशन डू नॉट एग्जिस्ट एलोन इन नेचर. लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट पॉपुलेशन डू नॉट एग्जिस्ट एलोन इन द नेचर. हम लोग पॉपुलेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में, और हम लोगों ने देखा था कि पॉपुलेशन किसी नेचर में अलोन नहीं एग्जिस्ट करता है. द वे ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर किड्स, व्हिच आर इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन and interspecific interaction. Intraspecific interactions are those that takes place among organism of the same species, okay, while interspecific interaction are those which happen among the individuals of different species. Jab different species ki baat aa jayegi to usko hum interspecific kahenge, jaisa ki maine aapko pehle hi bataya bachcho. To important interaction between two species we are going to see here, ki do species ke beech mein क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर बन सकते हैं बच्चों.
एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, दो अलग अलग स्पीसीज में कितने तरीके के इंटरेक्शन पॉसिबल है, विच वी आर गोइंग टू सी नाउ बाई कंपेयरिंग द पॉपुलेशंस लिविंग एलोन एंड टूगेदर. सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन एंड एलोपैथी आर एमेंसलिज्म. बच्चों इन सभी तरीके की पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हमको डिटेल में पढ़ना है विद एग्जांपल्स. इनमें से कोई पर्टिकुलर भी इंटरेक्शन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिएगा बच्चों, मेक इट इम्पॉर्टेंट, मार्क इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम इन बोर्ड एग्जाम दैट सेपरेटली लाइक कंपटीशन, लाइक पैरासिटिज्म, लाइक म्यूचुअलिज्म, लाइक कमेंसलिज्म, सेपरेटेड विथ एग्जाम्पल, और द टोटल पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन बी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. टोटल पॉपुलेशन इंटरेक्शन हैव बीन आस्क्ड. ओके चिल्ड्रेन, सो वी शैल इलैबोरेट ऑल द काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन डिटेल. जितने भी इंटरेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, एमेंसलिज्म, दैट इज एलीलोपैथी, विच वी शैल इलैबोरेट इन डिटेल. कुछ ब्रैकेट में ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, इन सिंबल्स के थ्रू अभी आप रिलेशन को कैपिटलाइज कर सकते हैं. रिलेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंबल्स के थ्रू दिखाया जा रहा है. कमेंसलिज्म, वन ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज बेनिफिटेड, अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. म्यूचुअलिज्म, बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड. ओके, कंपटीशन, बोथ द स्पीसीज आर बीइंग हार्म्ड. पैरासिटिज्म, वन स्पीसीज इज बीइंग benefited known as parasite and another species is harmed known as host. Predation, one species is benefited known as predator and another species is harmed known as prey. And allopathy, that is emensalism, one species is benefited and another is harmed or neither benefited nor harmed. So these are the various kind of population interaction, children. Let us start one by one. We have to discuss all the interaction in detail. So let us discuss the number one, first kind of population interaction, which is mutualism. ये mutualism है बच्चों, symbiosis. Symbiosis बोलते हैं इसको, which represent the symbiotic relationship between two group of species. Like mutualism is a type of symbiosis in which population interact to the benefits of both the species. Basically, both the species are doing something for their survival and both are benefited. अगर दो इस group of species एक साथ में रह रहे होते हैं, आपस में mutual understanding बनाए हुए हैं, mutual understanding से ही ये word आया है mutualism. तो आपस में mutual understanding बनाए हुए हैं, symbiosis की भावना है, सहजीविता की भावना है. Both the group of species are doing something for their survival and both are benefited. So such kind of population interaction, children, well known as mutualism. As you have seen in lichens, lichens में आपने देखा था 11th class में जब हम lichen पढ़ रहे थे, तब आपने देखा lichens are the symbiotic association between algae and fungi, which are phycobiont and mycobiont. The fungal portion absorb the water and minerals from the soil, whereas algal portion preparing the food material by the process of photosynthesis. As you know that algal portion have photosynthesis, they are not longer, they don't have filaments, but they have chlorophyll, so they can prepare the food items, food materials by the process of photosynthesis. Meanwhile the time they need the water, they require the minerals, so water and minerals will be absorbed through the fungal portion, that is mycobiont. So both the group of species are doing something for their survival and both are benefited. So such symbiotic association, lichens in fact, showing the this kind of population interaction, that is mutualism. Mutualism में बच्चों दो group of species अगर है आपस में साथ में रह रहे हैं तो दोनों ही survival के लिए कुछ न कुछ function perform करते हैं and both are benefited, दोनों का ही फायदा होता है. मैंने आपको lichens का example दिखाया, एक और example हम लोगों ने 11th class में पढ़ा था, that is mycorrhiza, the symbiotic association of fungal filaments with the roots of higher plants like cycas and pinus. Gymnospermic plants में हम लोगों ने एक special root देखा था बच्चों 11th class में, coralloid roots,
विच ग्रो हॉरिजॉन्टली इन प्लेस ऑफ वर्टिकल रूट. वर्टिकल रूट की तुलना में वे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं. दे कैन नॉट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल सो फार एंड देन इन सच कोरल वाइड रूट्स लॉन्गर फिलामेंट्स ऑफ फंगल थैलस फॉर्मिंग द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच इज वेल नोन एज माइकोराइजा. एंड इन माइकोराइजी द फंगल फिलामेंट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड इन दे जस्ट टेक the food materials through the plants because we know very well that fungi are heterotrophic in nature. They cannot prepare their own food material. They don't have chlorophyll. Fungi are achlorophyllous thallophyta, you know very well. That's why that fungal filaments will be depending upon the roots of higher plants for their nutritional requirement. And they just take the water and minerals, they just absorb the water and minerals for plants. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आपने बच्चों यहाँ म्यूचुअलिज्म में दो एग्जांपल देखा आपने. एक तो एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइकेंस का, दूसरा एग्जांपल माइकोराइजा का. म्यूचुअलिज्म में भी ऑब्लिगेट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ वन ऑफ द और बोथ स्पीशीज आर फैकल्टेटिव. वन स्पीशीज मे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर. ये म्यूचुअलिज्म बच्चों ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दोनों तरीके का हो सकता है. ऑब्लिगेट आप जानते हैं, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जबकि दोनों ही स्पीसीज जरूरी हो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के लिए. तब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस फ्लावर का बम्बल भी इस तरीके से फ्लावरिंग करवा रहा होता है. बम्बल भी यहाँ पर पॉलिनेशन करवा रहा होता है और पॉलिनेशन करने के दौरान नेक्टर को सक करने के दौरान जब बम्बल भी यहाँ पर आते हैं तो इनका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है. तो एक तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि गैमेट्स यहाँ अवेलेबल होता है जिसको ये फ्यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका सर्वाइवल प्लांट्स के ऊपर और प्लांट्स का सर्वाइवल इनके ऊपर है. इस कंडीशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बच्चों, दैट इज ऑब्लिगेट. जहां पर अगर सर्वाइवल दोनों ही स्पीशीज का जरूरी है कि दोनों एक साथ में रहे तभी सर्वाइवल हो पाएगा, सो सच काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म इज सेड टू बी एज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म. वेयर एज इन फैकल्टेटिव काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म वन स्पीशीज में सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर. जहां पे अगर एक दूसरा स्पीशीज नहीं भी है, एब्सेंस भी कर रहा है, तभी एक स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगा. सो सच काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वेल नोन एज म्यूचुअलिज्म. आई हैव गिवन टू एग्जांपल्स लाइकेंस एंड माइकोराइजा. लेट अस सी द अनदर काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन चिल्ड्रन, दैट इज कमेंसलिज्म. अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, दैट इज कमेंसलिज्म. अब हम कमेंसलिज्म की बात करेंगे बच्चों. That is feeding upon table. ध्यान दीजिएगा, feeding upon table. अगर हम टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा फायदा हुआ, लेकिन टेबल का न तो नुकसान न तो फायदा. Neither benefited nor harm. ध्यान दीजिएगा जरा. Commensalism is a special kind of population interaction, children, in which one species is benefited. And another species is neither benefited nor harmed. Such kind of special population interaction is said to be as commensalism. I am giving here example like ergots foraging in fields among cattle. As cattle graze on the field, they cause movement that stir up the various insects. As the insects are stirred up, the ergots following the livestock catch and feed upon them. The ergots benefits from this relationship because the livestock have helped them find their meals while the livestock are typically unaffected by it. जबकि livestock के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. आप देख रहे हैं यहाँ पर काउस है. जब काउ ग्रेजिंग कर रहे होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जब काउ या दूसरे कैटल्स ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तो उसी जगह पर ये बर्ड्स जो है आप आस पास में वांडरिंग कर रहे होते हैं. ध्यान से समझिएगा, ये जो है बर्ड्स वांडरिंग कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं पास में और इंतजार कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स का जो बाहर आएंगे सॉइल में से ड्यू टू दिस काउज. व्हेन दिस काउ ओके दिस लाइव स्टॉक जस्ट स्टीयर अप द सॉइल. ये जब स्टीयर अप करेंगे सॉइल को अपने पैरों से जब चल रहे होंगे आगे, तो बिना जाने पूछे इनको पता भी नहीं होगा, अनजाने में ये सॉइल को स्टीयर अप कर रहे होंगे, ऊपर की तरफ उखाड़ रहे होंगे. सॉइल ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा उड़ता रहता है बच्चों, आप देखते हैं जब कैटल्स चलते हैं, और उसी सॉइल में इंसेक्ट्स भी, सॉइल लिविंग इंसेक्ट्स, जो सॉइल इनहेबिटिंग इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं,
वह उसी सॉयल में ऊपर की तरफ उठेंगे, दैट विल बी कैप्चर्ड थ्रू दीज बर्ड्स, ये बर्ड्स उसको कैप्चर कर लेंगे, इनका फायदा हो जाएगा, दे विल गेट द न्यूट्रिशन वेयर द लाइव स्टॉक्स द कैटल्स विल बी नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, सो सच काइंड ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन इज सेड टू बी एज कमेंसलिज्म, इस तरीके की इंटरेक्शन को बच्चों कहते हैं कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही स्पीसीज वहां पर काम कर रहे थे और दोनों ही बेनिफिटेड थे, जबकि कमेंसलिज्म में आप देख रहे हैं कि एक स्पीसीज बेनिफिटेड है और जबकि दूसरा स्पीसीज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ग्रेजिंग काऊ कर रहा है, काऊ कर रही होती है ग्रेजिंग, और काऊ की ग्रेजिंग के दौरान जो सॉयल स्टीयर अप होता है, वहां पर इंसेक्ट्स भी स्टीयर होते हैं जो सॉयल में रहते हैं, एंड दे विल बी ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड थ्रू दीज बर्ड्स, ओके, सो दे विल जस्ट गेट द बेनिफिट फ्रॉम द ग्रेजिंग सॉयल ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, एंड इन दिस वे कैटल्स आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, बट दीज बर्ड्स आर गेटिंग देयर फूड, ओके, दैट्स व्हाई दीज आर बर्ड्स फोरेजिंग इन फील्ड्स अमंग द कैटल्स, एंड सच स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज कमेंसलिज्म। चिल्ड्रन, दो इंटरेक्शन हम लोगों ने देखा बच्चों, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, थर्ड काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दैट इज कंपटीशन। तीसरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन बच्चों हम देख रहे हैं कंपटीशन, इन विच बोथ द स्पीसीज आर हार्म। कंपटीशन में आप जानते हैं दोनों ही स्पीसीज का हार्म होगा। म्यूचुअल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स बाय पॉपुलेशन ऑफ टू आर मोर स्पीसीज, अगर कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसको दो या दो से अधिक स्पीसीज यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका एक आपस में एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, एंड ईच इंडिविजुअल एडवर्सली इफेक्ट अनदर इन द क्वेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स लिविंग स्पेस और अदर कॉमन नीड्स। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, अगर उन रिसोर्सेज पर जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज सेम रिसोर्सेज पर डिपेंड हो रहे हैं फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, देन इन सच केसेस इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स कंपटीशन विल बी क्रिएटेड। कंपटीशन क्रिएट होगा बच्चों, कंपटीशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इन हिज वॉयेज, अपनी समुद्री यात्रा पैसिफिक ओशियन की समुद्री यात्रा के दौरान, ही जस्ट ऑब्जर्व कंपटीशन इन गैलापागोस आइसलैंड। इन एनसीईआरटी द एग्जांपल हैज बीन गिवन दैट इन गैलापागोस आइसलैंड टर्टवाइज स्पीसीज नेम्ड एज एबिंगडन वाज वेरी प्रिटेंशियस। टर्टवाइज एक वहां पर एबिंगडन जाति का टर्टवाइज, एबिंगडन स्पीसीज जो एबिंगडन जाति का टर्टवाइज जो था वह बहुत ही ज्यादा पाया जाता था गैलापागोस आइसलैंड पर, बट विद इन 10 ईयर दे बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ गोट्स, लेकिन गोट्स के आ जाने की वजह से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, गैलापागोस आइसलैंड पर गोट्स के आ जाने की वजह से वह एबिंगडन टर्टवाइज जो थी उसकी जाति ही पूरी विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सो दिस वन इज द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन विच बोथ द स्पीसीज आर हार्म, बिकॉज ईच इंडिविजुअल एडवर्सली इफेक्ट अनदर इन द क्वेस्ट फॉर फूड, दैट इज सर्च फॉर फूड न्यूट्रिएंट एंड लिविंग स्पेस आर अदर कॉमन नीड्स। इंडिविजुअल्स हार्म वन अनदर इज अटेम्प्टिंग टू गेन अ रिसोर्स। रिसोर्स को अटेम्प्ट करने के चक्कर में इंडिविजुअल्स एक दूसरे को हार्म कर रहे होते हैं। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ गैलापागोस आइसलैंड चिल्ड्रन इन विच द प्रिटेंशियस स्पीसीज ऑफ टर्टवाइज दैट इज एबिंगडन टर्टवाइज जस्ट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन 10 ईयर, विद इन अ डेकेड, एक ही डेकेड में वह एक्सटिंक्ट भी हो गया ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ गोट्स, गोट्स के आ जाने की वजह से। सो दिस वन इज कंपटीशन, थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू आर सीइंग, वी हैव सीन द म्यूचुअलिज्म, the commensalism, and then the competition we are discussing. The next one is predation, children. Marker kha jana, that is predation. Simple word mein agar hum baat kare, to is tarike ke population interaction mein, ek group of species jo ki jyada potential wala hota hai, that is said to be a predator, who just kills the smaller one, weaker one, in fact, that is said to be a prey, and just eat it. That's why it is said to be a predation. It is a negative interaction, children, in which direct food-related interspecific interaction between two species of animals, in which larger species, or you can say stronger species, called as predator, attacks and kills and feeds
ऑन द स्मॉलर स्पीसीज कॉल्ड एज प्रे। जानते हैं बच्चों, इस तरीके के इंटरेक्शन में जो लार्जर या स्ट्रॉन्गर स्पीसीज है वह वीकर या स्मॉलर स्पीसीज के ऊपर अटैक करता है, उसको किल करता है और खा जाता है, उसको यूज कर लेता है एज ए फूड मटेरियल। सो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज सेड टू बी एज प्रेडेशन इन विच वन ग्रुप दैट इज नोन एज प्रेडेटर इज बीइंग बेनिफिटेड एंड अनदर ग्रुप दैट इज नोन एज प्रे इज बीइंग हार्म्ड। एग्जाम्पल प्लांट लाइक निपेंथिस, द पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनफैक्ट ड्रोसेरा, सनड्यू प्लांट, इंसेक्टिवोरस, Venus fly trap, the downy, that is insectivorous plants. These are insectivorous plants, children. These plants just engulf the insect, in fact, and through food digestive enzyme digestion takes place, and in this way, these plants just showing the example of predation. These plants become predator here, and insects become prey here, and such interaction shows the relationship between predator and prey, which is negative relationship for their nutritional requirement. Some predators such as frog act as prey for other snakes, which in turn are prey to higher carnivores like eagle. तो आपने food chain में देखा था इस चीज को बच्चों, जब हम food chain की बात करते हैं तो वहां पर frog और frog को जो है frog का जो predator है वहां पर कौन है, snakes, और snakes का predator जो है higher carnivores होते हैं लाइक ईगल। तो वहां पर जो है स्नेक्स का जो प्रेडेटर हो जाएगा वो हायर कार्निवोर्स होंगे बच्चों, लाइक ईगल। हमने फूड चेन में देखा था फ्रॉग, फ्रॉग टू स्नेक, स्नेक टू ईगल। तो इन सच फूड चेन, इन फैक्ट इन फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड वी कैन सी दैट स्नेक्स आर द प्रेडेटर ऑफ फ्रॉग, वेयर फ्रॉग्स आर बीइंग प्रे, एंड अगेन दिस प्रेडेटर स्नेक्स बिकम प्रे फॉर द नेक्स्ट लेवल प्रेडेटर दैट इज carnivores, higher carnivores, for example eagle. So here you are seeing the predation in two steps, my dear kids, that is frog to snake and then snake to eagle. In two steps you are seeing here the population interaction in which one species will be either always benefited, said to be a predator. Ek species ka isme hamesha hi fayda hi hoga bachcho, jisko hum predator kehte hain, aur jabki dusre species ka हमेशा ये नुकसान, that is said to be as prey, जिसको हम prey बोलते हैं बच्चों, उसका हमेशा ये नुकसान होगा, क्योंकि prey will be smaller and weaker, and predator will be larger, larger and stronger. तो larger और stronger होने की वजह से वो prey को kill करता है, prey के ऊपर attack करता है, kill करता है और खा जाता है. That's why you are seeing here that it is a negative direct food related interspecific interaction between two species of animals in which larger species called as predator attacks, kills and feeds on the smaller species called as prey. जो smaller species रहता है उसको engulf कर लेता है अपने food requirement के लिए, which is said to be a prey, and such relation, such interaction between two group of species is known as predation. So my dear kids, we have seen the mutualism, commensalism, then we have seen predation also. Predation भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है predation होता है बच्चों, और predation में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है predator जो कि kill कर देते हैं prey को, predator जो कि prey को kill कर देते हैं बच्चों, prey को, और prey को kill करने के बाद kill ही नहीं करते हैं, prey के ऊपर attack करते हैं, उनको किल करते हैं और उसके बाद उन्हें खा भी जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर फीडिंग करते हैं। सो सच रिलेशन इज सेड टू बी एज प्रीडेशन, इसीलिए इस रिलेशन को बच्चों प्रीडेशन कहा जाता है। आप प्रीडेशन देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि प्रीडेटर जो कि प्रे को किल करके खा जाते हैं, उसके ऊपर फीडिंग करते हैं। इस तरीके से चार तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। नेक्स्ट वन इज एमेंसलिज्म, माय डियर किड्स you are seeing next one, that is amensalism. अब हम अगर amensalism की बात करें बच्चों, amensalism is an interaction where one species suffers and the other interacting species is experiences no effect. It means one species is harmed and another species is neither benefited nor harmed. I am giving here example is the antibiotic Zaglon,
विच इज सीक्रेटेड बाय द ब्लैक वॉलनट. ये ब्लैक वॉलनट बच्चों जगलेंस नाइग्रा से सीक्रेट होता है. ट्री है यह जगलेंस नाइग्रा ब्लैक वॉलनट है जिससे एक एंटीबायोटिक जगलन सीक्रेट होता है. दिस सब्सटेंस इज नोन टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज श्रब्स एंड ग्रासेस एंड हर्ब्स फाउंड इन ग्रोइंग नियर ब्लैक वॉलनट ट्रीज. अब देखिए ये ब्लैक वॉलनट ट्री जो है बच्चों यह ब्लैक वॉलनट ट्री इस प्रकार का एंटीबायोटिक सीक्रेट कर रहा है जगलन को. और जबकि यह एंटीबायोटिक जो आप देख रहे हैं जगलोन यह एंटीबायोटिक इनहिबिट कर रहा है दूसरे ट्रीज के दूसरे श्रब के दूसरे ग्रासेस और दूसरे हर्ब्स की ग्रोथ को जो कि नियर बाई ब्लैक वॉलनट ट्रीज है. ये देखिए आप स्पेशल काइंड का इंटरेक्शन आप देख रहे हैं बच्चों हेमेंसलेज जिसमें इस स्पेशल काइंड के इंटरेक्शन में आप देख रहे हैं ब्लैक वॉलनट बच्चों ब्लैक वॉलनट जो कि जगलन एंटीबायोटिक सीक्रेट कर रहे होते हैं विच किल द सराउंडिंग श्रब्स द सराउंडिंग ग्रासेस एंड द सराउंडिंग ट्रीज नियर बाई द ब्लैक वॉलनट ट्रीज. सो हियर यू आर सीइंग स्पेशल काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन हेमेंसलेज इन विच वन ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज द अनदर ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड एक्सपीरियंसेस नो इफेक्ट चिल्ड्रेन. एंड नाउ सी द लास्ट काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन दैट इज पैरासिटिज्म. अब अगला इंटरेक्शन आप देखेंगे बच्चों पैरासिटिज्म. इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन पैरासिटिज्म नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज अकर वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड दैट इज नोन एज पैरासाइट एंड बेनिफिट टेक्स प्लेस थ्रू द होस्ट दे डिपेंड अपॉन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लाइक ह्यूमन एंड मॉस्किटो. अगर ह्यूमन और मॉस्किटो की बात करें हम तो मॉस्किटो इज अवर पैरासाइट. मॉस्किटो हमारा पैरासाइट है हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे ब्लड को सक कर रहा है. ध्यान दीजिएगा मॉस्किटो जो कि हमारे ब्लड को सक कर रहा है बच्चों और हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए. सो इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड सेड टू बी एज पैरासाइट एंड अनदर स्पीसीज इज हार्म्ड सेड टू बी एज होस्ट. सो माय डियर किड्स इन दिस टॉपिक वी हैव सीन सिक्स काइंड ऑफ इंटरेक्शन कंपटीशन प्रीडेशन कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म. In competition, we have seen that both the species are harmed. In predation, predators are being benefited where prey are being harmed. In commensalism, that is feeding upon table, one species is benefited, whereas another species is neither benefited nor harmed. Next interaction is amensalism, in which one species is harmed, suffers, and another species is neither benefited nor harmed. In mutualism, we have seen that both the species are benefited and both are doing something for their survival. Whereas in parasitism, we have seen that parasite take the nourishment, take the benefit from the host. So, my dear kids, in this way, in today's class, we have seen the population interaction. It is a complicated topic. Has six examples there are. So, in the next class, I will also elaborate some examples related to this population interaction, children. Thank you very much, my dear kids. In the next class, we shall visualize some more important examples related to this population interaction. Thank you very much.